नरसिंहपुर की गाड़ापारा के सोकलेचा के पास बैरागढ़ रेत खदान में कल देर रात स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के चलते जिले में हड़कंप मच गया। देर रात हुई कार्यवाही में अवैध उत्खनन करते 17 डंपर भी जब्त किए गए। इन पर राजसात की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि ये वही खदान है जो पंचायत के द्वारा आवंटित हुई थी और जिस पर अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार विधायक गाड़ेबारा सुनीता पाटिल को आ रही थी। वहीं थाने में खड़े इन 17 डंपरों से इस बात के सबूत भी मिल जाते हैं कि किस तरह से देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि सभी डंपर रसूखदार लोगों के हैं। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी खेप में ये कार्रवाई जिले में पहली बार हुई है। कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही रेत के अवैध उत्खनन पर लगातार हो रही कार्रवाई के चलते कल देर रात भी नरसिंहपुर SP के निर्देशन में गाड़ेबारा पुलिस चौकी के नजदीक बैरागढ़ खदान पहुंची और तब वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं नदी के किनारे 6 भरे एवं 11 खाली कुल 17 डंपर जब्त किए गए, जिसमें रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। वहीं वाहनों को गाड़ेबारा थाने में लाया गया। थाने में जगह नहीं होने के चलते BTI स्कूल के मैदान में इन वाहनों को खड़ा किया गया है। वहीं इन पर राजसात की कार्रवाई को भी की जाना संभावित है। नर्मदा के घाटों पर जिस तरह से खनन माफिया सक्रिय है, क्या ये कार्रवाई के कुछ सबक ले पाएंगे, ये देखने लायक होगा। बैरागढ़ खदान है साली चौका क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पर रेत का उत्खनन है, मतलब उसमें अनियमितता की शिकायतें थी कुछ। उस पर SDOP साहब के साथ में थाना गाड़ेबारा का पुलिस बल भी था और रात में वहाँ पर दबिश दी गई है। वहाँ पर लगभग 17 डंपर हम लोगों ने सीज किए हैं, जिसमें से 6 भरे हुए डंपर हैं और 11 खाली हुए। कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं वहाँ पर, उसके संबंध में प्रतिवेदन SDM साहब के भेजा जा रहा है और इसमें जो भी अनियमितता यदि होगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई।